निरंकारी मिशन का 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम संत निरंकारी आध्यात्मिक परिसर जीटी रोड स्थित समालखा गन्नौर में 28 से 30 अक्टूबर तक होगा, जिसके लिए संत निरंकारी मिशन की सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राज पिताजी द्वारा संत समागम सेवा का शुभारंभ रविवार को किया गया है। आइए सुनते हैं संत निरंकारी मिशन की सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को आज के शुभ अवसर पर उन्होंने क्या कहा। सेवा करने के समय वो ज़्यादा जरूरी है। माता हर एक पर कृपा करे। ये समागम में जहाँ सेवाएँ दी होंगी वहाँ समागम के समय भी जो भी सिखलाई हो वो अपने दामन में बदल जाएंगे। साथ समागम में भारत और विदेशों से लाखों भक्तों के शामिल होने की संभावना है। रविवार से हजारों निरंकारी सेवा दल के भाई और बहनों ने सेवा शुरू कर दी है। संत समागम के द्वारा मानव जगत को मनवेशक भावनाओं का दिव्य शाश्वत सत्य का संदेश दिया जा रहा है। इस बार का थीम रहेगा सुकून अंतर्मन का। आइए सुनते हैं संत निरंकारी मिशन प्रेस एंड पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर प्रिमल पिन्नो जी को उनका आज के इस कार्यक्रम पर क्या कहना है। 76वां निरंकारी संत समागम यहाँ पर मनाया जाएगा, जिसमें सत्संग के कार्यक्रम होंगे, सेवा दल की रैली होगी, कवि दरबार होगा और तीनों दिन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचनों का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। इसके लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं सर? और तैयारियों में ये 650 एकड़ का कैंपस है, यहाँ पर इसको चार भागों में बांटा गया है। चारों भागों में लंगर की व्यवस्था है, पीने के पानी के लगभग 60 से 70 प्याऊ हैं और उसके अलावा 22 कैंटीन्स हैं, उसमें 26 टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, डिस्पेंसरी हैं, हर ब्लॉक में दो दो कम से कम, बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें IPD भी है, ICU भी है और फायर की व्यवस्था है। इसमें 30 फायर टेंडर्स होंगे और सभी जरूरी व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया। आज कितने राज्यों से लोग आए हैं सर यहाँ पे महात्मा पुरुष? आज मेनली तो दिल्ली और हरियाणा के महात्मा आए हैं, पर आसपास के और भी जो श्रद्धालु भगत हैं वो अपनी श्रद्धा से यहाँ पहुँचे। इस वर्ष का थीम क्या रहे थे? इस बार का जो थीम है वो है सुकून शांति, सुकून अंतर्मन का। धन्यवाद। आपका निरंकारी मिशन का जो है मोटिव क्या है, जो यहाँ पर आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं इसके पीछे आपकी सोच क्या है? संत निरंकारी मिशन का एक ही मोटिव है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मानवता जो अपने अपने हिस्से में बटी हुई है उन सभी को जोड़कर एक परमपिता परमात्मा की जानकारी करके और उसके एहसास में जिंदगी जीने का सबको शिक्षा दी जा रही है। अच्छा, ये कितने क्षेत्रफल के अंदर आपका जो कार्यक्रम हो रहा है? करीब 650 एकड़। आप यहाँ पर कहाँ कहाँ से, कौन कौन से देश से यहाँ श्रद्धालु पहुँचने वाले हैं? पूरे भारत के हर राज्य से तो श्रद्धालु आ ही रहे हैं। हाँ जी। और लगभग 50 देशों से भी डेलीगेट्स आएंगे। यहाँ जो रेलवे की जो सेवाएं आपके निरंकारी मिशन की तरफ से दी जा रही हैं, क्या इस बार भी कोई व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ, रेलवे स्टेशन पर जो है सभी ट्रेन रुकेंगी, उसके अलावा वहाँ पर रिसेप्शन का काउंटर होगा, सभी जो श्रद्धालु उतरेंगे उनके लिए जलपान की व्यवस्था, उनको वहाँ से पिकअप करने की व्यवस्था, सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये परम सानिध्य किसका रहेगा जो ये इतना बड़ा विस्तार जो दिया जा रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसका जो है सानिध्य किसका है? सानिध्य सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का रहेगा और प्रतिदिन जो 28, 29, 30 अक्टूबर को समागम संपन्न होगा जी, उन्हीं के आशीर्वाद भरे वचनों के साथ ही संपन्न होगा। आपका शुभ नाम क्या है और पद क्या है जी आपका? मैं जोगिंदर सुखीजा, कोऑर्डिनेटर 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम। शुक्रिया।